हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे अपने जनवरी 2022 जिसके हम 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम अपना लास्ट सेशन ले रहे हैं जनवरी 2022 का जिसके हम अपने लास्ट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द INC एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई विवेकानंद टीचिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इट ऑफिशियली डिनोट द एंड ऑफ रिपब्लिक डे एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाई सेक्शन डी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडियन आर्मी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट एंड लोअर्स अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए ओनली 1, सेकेंड स्टेटमेंट जो है लोअर्स अथॉरिटी, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। जब बात नहीं मानते, डिसओबीडियंस करते हैं विलफुली, तो वो होती है सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन अगर अथॉरिटी को ही लोअर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाटो से रिलेटेड। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ट्रीटी वॉज साइंड ऑन April 4, 1949। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मालिमत कमेटी। तो ये हमारी मालिमत कमेटी किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया? तो ये है हमारे थॉमस बेमिंगटन मकॉले। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड फोर्टिफिकेशन हैज इंक्रीज न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट एम्बेडेड इन द क्रॉप बीइंग ग्रोन। मतलब ग्रो करते टाइम जब हम इसमें न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, और बायो फोर्टिफिकेशन इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स बाय एडिंग ट्रेस अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इनको रिवर्ट कर दिया, दोनों को उल्टा किया हुआ है। फूड फोर्टिफिकेशन वो होता है जब हम प्रोसेसिंग के टाइम पे न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और बायो फोर्टिफिकेशन वो होता है जब हम ग्रो करने के टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन राइस एंड टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी द लुक एंड टेस्ट ऑफ द राइस। कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड राइस कैन ऑल्सो इंक्रीज द कंटेंट ऑफ विटामिन इन ब्रेस्ट मिल्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन, उसका टेस्ट, उसका लुक या उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होती है। मतलब टेस्ट और लुक उसका बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फ्यूज़र। तो इन्फ्यूज़र हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड हमारे एयर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का स्टार मिशन। तो ये हमारा जो न्यूज़ में, ये किससे रिलेटेड है? इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more स्टेट्स और एट अ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट विंस एटलीस्ट 2% सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 different स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईस्ट टू वेस्ट में हमें इन सिटीज़ को अरेंज करना है डायरेक्शन के हिसाब से। ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन सी है? होचिनमी सिटी, फूकेट एंड यांगोंग। तो ये ऑलरेडी ईस्ट टू वेस्ट ही लगी हुई है। इसका आंसर है 1, 2, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ। तो रजिस्ट्रेशन कौन सी किसके अंडर गवर्न किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नजफगढ़ झील। इट इज़ लोकेटेड इन नेशनल डिप्रेशन इन साउथ वेस्ट दिल्ली क्लोज टू गुरुग्राम राजौरी बॉर्डर नेशनल हाईवे 48। द लेक इज़ लार्जली फिल्ड विद सीवेज फ्रॉम गुरुग्राम एंड सराउंडिंग विलेजेस ऑफ दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन सर्टन सिलिकॉन विरिस्ट बैंड्स क्वांटम और स्केलर एनर्जी पेंडेंट्स एंड काइनेस्थियोलॉजी टेप। नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी एम्बेड्स नेगेटिव आयन्स इन पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड इज करंटली बींग एडवर्टाइज एज अ मीन्स टू मेंटेन हेल्थ बैलेंस एनर्जी एंड इम्प्रूव वेलबींग। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया एनुअली अनाउंसड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 civilian अवार्ड्स भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म अवार्ड्स की कमिटी जो है, पद्म अवार्ड कमिटी इज हेडेड बाय, उनके हेड कौन है? तो उनके हेड है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FCRA से रिलेटेड। इट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976
बिल्कुल करेक्ट है। और अब मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि इसको 2 बार अमेंड किया गया है। 1976 में ये इनएक्ट हुआ था, 2010 में अमेंड किया गया, और उसके बाद एक बार अभी अमेंड किया गया है दोबारा, अभी आई थिंक 2020 में अमेंड किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिथियम, इट इज़ अ हार्ड ब्लैक वाइट मेटल एंड इट हैज़ ई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल है, ना कि हार्ड एंड ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV और GSLV से रिलेटेड, GSLV वॉज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट्स इन टू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, और PSLV वॉज डेवलप्ड टू लॉन्च द हैवियर इनसैट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स इन टू ऑर्बिट, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV, इट इज द सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इट सक्सेसफुली लॉन्च 2 spacecraft सच एज चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, ना कि सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन PSLV GSLV का है, सो PSLV वॉज लॉन्च्ड टू वॉज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट्स इन टू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, एंड GSLV वॉज डेवलप्ड टू लॉन्च दी हैवियर इनसैट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स इन टू ऑर्बिट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है H-2B वीजाज अलाउ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द US, L-1 वीजा अलाउज कंपनीज टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू US फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 years, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है January 26, 1930 वॉज मार्क्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस और द डे ऑफ द नेशन वुड अटेन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम इट्स कॉलोनाइजर्स बाय द कांग्रेस, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फेल्ट दैट द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ डे दैट हैड सम सिग्निफिकेंस इन देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FCRA, इट्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एनी NGO और एसोसिएशन टू रिसीव फॉरन फंड्स और डोनेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। वंस द FCRA रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड द वैलिडिटी इज फॉर अ 3-year period, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 5 year के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अबक्का चौटा वॉज द फर्स्ट तुलुवा क्वीन ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड शी फॉट द पोर्टुगीज इन लेटर हाफ ऑफ द 16th century, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये फर्स्ट तुलुवा क्वीन है लेकिन विजयनगर एम्पायर की है, नहीं है, ये मैंगलोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, एन इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट दैट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और दीज आर अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 days इन द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये 15 days के लिए होती हैं एक तो, और हर ईयर के स्टार्टिंग में नहीं होती, बल्कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आता है, मतलब साल में 4 बार आता है इनका, जनवरी, फिर 2 months का गैप आता है, फिर अप्रैल, फिर 2 months का गैप आता है, जुलाई के बाद फिर 2 months का गैप आता है, अक्टूबर, फिर 2 months का गैप, एंड देन अगेन फ्रॉम जनवरी, तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी प्रोजेक्ट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय तुर्कमेनिस्तान इन 2013 एंड इट इज़ अ नेचुरल गैस पाइपलाइन बींग डेवलप्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि एक तो ये 2013 में लॉन्च नहीं हुआ है बल्कि 1990s में लॉन्च हुआ है, और ये तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मतांगिरी हजरा अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल हु लेड डाउन हर लाइफ इन द स्ट्रगल, शी टुक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वॉज अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथुआनिया, इट इज़ वन ऑफ द 3 Baltic states एंड लाइज ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द बाल्टिक सी, लिथुआनिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद लाटविया टू द नॉर्थ, बेलारूस टू ईस्ट एंड साउथ, पोलैंड टू द साउथ, कालीनिंग्रैड ओब्लास्ट ऑफ रशिया टू द साउथ वेस्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्कीम, इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इट इज जॉइंट प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, इट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि इसका 500 GW का टारगेट है अप टू 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO's अपेलेट बॉडी, द अपेलेट बॉडी सेटअप इन 1995 इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ 7 members एंड द अपेलेट बॉडी कैन अपहोल्ड मॉडिफाई रिवर्स द इलीगल फाइंडिंग्स ऑफ द पैनल दैट हर्ड द डिस्प्यूट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुपर कंडक्टिविटी. इट इज अ स्टेट इन विच मटीरियल शोज वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इट सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स कैन सेव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड बी यूज टू मेक हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली टू. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं शो करता ये बिल्कुल, बल्कि जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ASAT मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये, कैन बी ओनली लैंड बेस्ड मिसाइल. ऐसा ज़रूरी नहीं है, लैंड बेस्ड एयर बेस्ड भी हो सकती है. इंडिया बिकेम ओनली द फोर्थ कंट्री टू कैरी आउट एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास इंजन. इट इज़ अ फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन एंड इट इज़ यूज टू पावर द सेकेंड स्टेज ऑफ GSLV मार्क वन एंड मार्क टू. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी जिंदन कौर. शी वॉज अ मोनार्क ऑफ द राजपूत डायनेसी. नहीं, ये सिख एम्पायर की हैं और शी लेड द स्पिरिटेड रेजिस्टेंस टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन टू द राजस्थान. नहीं, इन्होंने कहाँ पे शुरू किया था रेजिस्टेंस? पंजाब से. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सेटेलाइट्स लॉन्च बाई PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजिशन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ एंड GSLV इज अ फोर स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव. क्योंकि एक तो PSLV जो है वो परमानेंटली एक ही पोजिशन पर नहीं आती और जो GSLV मार्क 3 है उसमें 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ना कि 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुलाब कौर. She was a leader of Gadar Party in Manila, Philippines and she took part in the civil disobedience movement. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन. ये गदर मूवमेंट की एक लीडर है, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट नहीं लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टिक सी शेयर्स बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो बाल्टिक सी इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1, 3 and 4. रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स. इट कैन बी परचेज बाय ओनली इंडियन सिटीजन and if the electoral bond is deposited after expiry of the validity period, no payment is made to any political party. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question hamara, Sri Ramanujacharya is the chief proponent of Visheshadvait sub school of Vedant and it was initiated into bhakti spirituality by the poet said Sundar Murthy. So correct answer option A only 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन्स टेस्ट एंड क्रीमी लेयर फाइंड्स फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट इन. तो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ पे आया था? इंदिरा सानी केस में इसको लाया गया था. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय एक्ट. दे कैन हियर ओनली सिविल केसेज एंड नॉट क्रिमिनल केसेज. ऐसा नहीं है, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेज की जुरिस्डिक्शन इनके पास होती है. एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकनसिलिएटर्स. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन ग्राम न्यायालय से रिलेटेड है. सो दीज आर प्रिजाइडेड ओवर बाय अ फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अ ग्राम न्यायालय हैव जुरिस्डिक्शन ओवर एन एरिया स्पेसिफाइड बाय अ नोटिफिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 degree चैनल लाइज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो ये हमारा है मालदीव्स के पास. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको वेस्ट एशिया कि जो ये लोकेशंस हैं इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है हमें, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है. तो कौन कौन सी है हमारी? अज़रबैजान, अशकाबाद, तेल अवीव एंड डमस्कस. तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट में जाना है हमें, तो सबसे पहले हमारी आती है तेल अवीव, फिर डमस्कस आती है, फिर अज़रबैजान आती है और फिर अशकाबाद आती है. तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड जनवरी 2022. With reference to parliamentary proceedings in India, the power of adjournment as well as adjournment sign die lies with the. तो ये power किसके पास होती है? तो ये power होती है option D, either A or B in the respective houses. तो लोकसभा में speaker के पास होती है और राज्यसभा में ये power chairman के पास होती है. तो इसलिए answer है option D, either A or B. ठीक है, तो ये थे guys आज के हमारे जनवरी 2022 के क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस. सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.